मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से हम आज आपके सामने प्रभु के वचनों को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे आज के मनन चिंतन का आधार है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1-6 तक। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से बातें कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वे अपने पिता के पास जा रहे हैं और वहां पर हम सभी के लिए जो उनमें विश्वास करते हैं एक स्थान तैयार कर रहे हैं। उनके पिता के पास बहुत अधिक स्थान है उन लोगों के लिए जो उनमें विश्वास करते हैं और उस विश्वास के कारण ही वे उस स्थान को प्राप्त करेंगे, एक ऐसा स्थान जहां पर शांति और अनुभूति का आनंद होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से जब यह कह रहे थे तब थॉमस जो उनका एक शिष्य है कहता है, हम नहीं जानते आप कहां जा रहे हैं, फिर हम उस मार्ग को कैसे पहचान सकते हैं या हम वहां कैसे आ सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बड़े ही सुंदर रूप में यह उत्तर दिया। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को एक मार्ग, अपने आप को सत्य और अपने आप को जीवन कहा है और इसका कारण क्या है। प्रभु यीशु क्रिस्त एक ऐसे मार्ग हैं जिसको यदि हम जिस पर चलते हैं तो हम हमेशा एक सत्य की ओर पहुंचते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त वह मार्ग है जिस पर मनुष्य जब चलता है तो वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जो सत्य कहलाता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि वे स्वयं सत्य है। प्रभु यीशु क्रिस्त ही मार्ग है और हम विश्वास के साथ उस मार्ग पर चलते जाएं, हम सत्य को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य है। जो मनुष्य सत्य की प्राप्ति करता है उसका जीवन बदल जाता है और वे ऐसे जीवन को प्राप्त करता है जिसमें दुख, तकलीफ, संकट नहीं, बल्कि लोगों के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति और स्वयं के प्रति एक आत्मविश्वास होता है और वही आत्मविश्वास उस पवित्र जीवन को हमें जीने योग्य बना देता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मुझ पर से चलो, मैं ही सत्य हूँ, क्योंकि वह मार्ग हमें उस सत्य की ओर ले जा रहा है, और मैं ही जीवन हूँ, क्योंकि जो उस सत्य को पहचान लेता है, उस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह उस जीवन को प्राप्त करता है, जो जीवन हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें उस राह पर, उस मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित किया है जो मार्ग वे स्वयं है, और उस सत्य को पहचानने के लिए आमंत्रित किया है जो सत्य वे स्वयं है, और उस सत्य को ग्रहण कर उस जीवन को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आइए हम उस पर विश्वास करें जिसने कहा, मैं ही सच्चा मार्ग सत्य और जीवन हूँ। उस विश्वास करते हुए उसे ग्रहण करें।